जीत गई तो पिया मोरे में अब तक आपने देखा देवी और अधिराज का प्यार एक षड्यंत्र का शिकार बनता है, लेकिन कभी ना हार मानने वाली देवी घूंघट का सहारा लेकर अधिराज से फिर शादी करती है। क्या होगा जब उसकी सास हीरा को पता चलेगा उसके घूंघट की सच्चाई, और आज आप देखेंगे एक अनहोनी ने बदल के रख दी देवी की जिंदगी। अपने पिया को जीतने के सफर में क्या अब होगी देवी की सबसे बड़ी जीत, या है ये किसी महासाजिश की शुरुआत? कैसे करेगी देवी इस महाषड्यंत्र का सामना? देखते रहिए। मार दे। आज मैं थाले से बोल रहा हूँ, जान से मार दे। भूल गई तू? थारे को तकलीफ थी, बार बार थारे साथ गलत करती रही, मारी नजरों के सामने थारे को गलत साबित करते रही ताकि तू हमारी जिंदगी से बाहर चल जाए। जान से मार दे थारे को, मारी कसम। जे मैं कभी ना होने दूंगी, वो देवी का सच लाड़े सर के सामने आए उके पहले मारे को केसर बिननी को ढूंढना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए वो देवी को हटाना पड़ेगा। पर पता ना वो देवी ने केसर बिननी को कहाँ छुपाया है। कमाल करे हो देवर साहब, मारी पूरी मेहनत बर्बाद करके थे यहाँ चद्दर उड़ के सो रहे हो। देवर साहब उठो, खानी देर हो गई है, उठो देवर साहब। भाभी साहब तय यहाँ मारे कमरे में क्या कर रहे हो? क्यों थे किसी और को जा रहे थे थारे कमरे में थारे को उठाने वास्ते? समझ में ना आ रहा? कोई बात ना देवर सा, यू नींबू पानी पी लो, फिर मारी बात आसानी से समझ आ जाएगी। मारे को तो कुछ याद ही ना है, कल के हुआ सर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ याद ना आ रहा थारे को? फिकर ना करो देवर साहब, मारे से सुन लो, क्योंकि मारे से ना सुनोगे ना तो दुनिया वालों से तो पता लग ही जावेगा। अब तक तो पूरे सुजानगढ़ में चर्चे फैल भी गए होंगे। कल देवी के साथ आप जो नाचे हो, जो गाए हो और जो छिछुरापन किया है, होली खत्म होने तक देवी ने अपनी बाहों में लेके अपने होंठों से उसके होंठों पे मोहर तक लगा दी। देवर साहब थारे को कुछ तो सोचना चाहिए था ना, देवी तो बेशरम है सब जाने हैं, पर देवर साथ थे, थारे से ऐसी बेशर्मी की उम्मीद ना थी किसी ने। थारे को कुछ तो सोचना चाहिए था ना, देवी अब पराई छोरी है,
पहले राज रजवाड़ों में हुआ करे था दो दो तीन तीन पटरानियां रखने का रिवाज, अब बड़ा हो गए है। और देवर सा, अगर कोई आदमी घरवाली और बाहर वाली रखे भी है ना, तो बाहर वाली ने दुनिया से छुपा के रखे हैं। और थे तो सरेआम, हमारा तो जी जड़े है थारे को ये सब बताते हुए भी। केसर भाभी साहब बात थी क्या? केसर देवर साहब, पूरे सुजानगढ़ ने देखा है, और वो केसर भी वहां आ गई थी घूंघट के नीचे से। पता नहीं कितनी गंगा जमना बहाई होगी बेचारी ने, के बीता होगा उसके दिल पे थारी बदनसीब पिंदनी। केसर भाभी साहब से मारे को माफी मांगनी होगी। तू जा भाभी साहब, मारे को तैयार होना है दफ्तर के लिए। हाँ हाँ, हो जाओ थे तैयार, मैं तो जा ही रही थी। मैं तो सिर्फ नींबू पानी पिलाने के लिए हूँ, रास रचाने के लिए तो कोई और है। पर एक बार देवी थारे दिमाग से निकल जाए देवर सा, वो मूर्ख केसर को हटा के मैं थारे को अपना बना ही लूंगी। एक मौका दे रही थी मैं आपको अपनी गलतियों को सुधारने का, पर एक बार फिर आपने मुझे धोखा दिया, एक बार फिर आपने मेरे भरोसे को तोड़ा है। बहुत कुछ सह चुकी हूँ, बहुत बर्दाश्त किया है, पर अब नहीं, अब मैं आपको एक भी मौका नहीं दूंगी मुझे धोखा देने का। बस धोखा देने की बातें धोखा देने वाले लोगों के मुंह से अच्छी ना लगती देवरानी सा, और थारे को देख के तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही शब्द आवे है, खुद गर्ज। क्योंकि आप अपने प्यार के सिवा किसी और के बारे में सोचते ही ना हो, और थारे को मारा और मारे अनजन्मे बच्चे का श्राप है। थारे को थारा प्यार जिंदगी भर नसीब ना होगा। कम से कम अपने आने वाले बच्चे को तो अपनी इस घटिया हरकतों का भागीदार मत बनाइए। आपने जो कुछ भी किया, जितनी भी चालें चली, खुद चली है। कुछ किसी के कहने पे, कुछ किसी के बहकावे में आकर, कुछ अपनी घटिया सोच की वजह से। और अधिराज की पत्नी बनने का हक मुझे मेरे भगवान ने दिया है। उन्होंने चाहा तो दुनिया में मैं ही उनकी पत्नी कहलाऊंगी, और कोई नहीं। कसम खाती हूँ मैं केसर जेठानी साहब, कि आज के बाद अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए मैं आपकी मदद कभी नहीं लूंगी। अपना अधिकार पाने के लिए आपके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। आपने पहले ही अपने बच्चे के नाम का श्राप दिया हो मुझे, पर ये बच्चा जिस दिन इस दुनिया में आएगा, उस दिन उसको सबसे ज्यादा प्यार मैं और अधिराजी करेंगे। उसके माता पिता बनकर
आई कैनॉट बिलीव दिस डीसी, कि केसर भाभी ऐसी हरकत कर सकती है। परसों उनके आंसू इतने सच्चे लग रहे थे कि मैं इमोशनल हो गया था और मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा और मैं टाइम से घर चले जाऊंगा। टाइम से घर मतलब घर पे कुछ है? छोड़ डीसी, लेट इट बी। नहीं बताना। मेरी एंगेजमेंट डेट तय हो गई है। ऑफ कोर्स, हाउ कुड आई फॉरगेट, कैसे भूल गई मैं। वादा किया था हमने एक दूसरे से कि पहले तू आएगा, मेरी शादी अटेंड करेगा, फिर मैं और अधिराज तेरी एंगेजमेंट अटेंड करेंगे। डीसी आई एम सो सॉरी, ऐसी दोस्त हूं ना मैं। कोई काम कर, तू जा अपने एंगेजमेंट की तैयारियां कर। बस तू अब ज्यादा सेंटीमेंट मारोगी। नहीं रियली, तू कितना अच्छा दोस्त है मेरा, कितना सच्चा दोस्त है, और मुझे तो तेरी फिक्र ही नहीं है। यू प्लीज गो, तू जा। नो वे डीसी, केसर भाभी को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। जब तक तेरी सास की बनाई हुई गलत फहमी अधिराज के दिमाग से निकलती नहीं है, तब तक केसर भाभी को मैं संभाल लूंगा। और घर पर इतने सारे लोग हैं, उनका ख्याल सब अच्छे से रखेंगे। देख, केसर भाभी जैसी भी है, उनके होने वाले बच्चे की फिक्र तो हमें करनी पड़ेगी ना, इसीलिए तू प्लीज टेंशन मत ले। तेरे जैसे सच्चे दोस्त के होते हुए मैं टेंशन कैसे लूंगी। इसी लोग दोस्ती के रिश्ते को इतना गलत क्यों समझते हैं? दोस्त तो जिंदगी होते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। यो सब क्या है? ये कमरा आपने ना सजाया? नहीं भाभी साहब, यो मैंने यो सब ना किया। आपने? नहीं। तो फिर किसने किया होगा? यो सब मैंने किया है देवर। थे बोलो ना बोलो, पर इतना तुम्हारे को समझ आ ही रहा था कि थे ये सुहागरात कितना चाह रहे हो, वही सुहागरात जो आज तक ना हो सकी, है ना? भाभी साहब का दिमाग कुछ ज्यादा चलता है। दया करके आप हमारे काम में दखल देना बंद कीजिए। अरे इज्जत करता हूं, ये ना हो कि हमारे से थारी बेइज्जती हो जाए। लो कर लो बात। भड़ाई का तो जमाना ही ना है। कल होली में अपनी देवी के साथ जो राज सजाया है ना, मारे को लगा कि केसर बिंदड़ी ने बुरा लग गया होगा। बस केसर को खुश करने के वास्ते मैंने यो सब किया। पर यहां तुम्हारे ऊपर ही गोलियां चलने लग गई। माजी सा ने कहा है कि देवर सा के सामने इसका घूंघट खोलना है, और ऐसा हुआ है कि उनके हुक्म का पालन मैंने कभी ना किया हो।
भाभी साहब आइए मेरे साथ। को शक हो गया है ये घूंघट का खेल बहुत जल्द खत्म करना होगा। अच्छा हुआ मैंने आपको बेहोशी का माइल्ड इंजेक्शन दे दिया, अगर नहीं देता तो आपको यहां लाना बहुत मुश्किल हो जाता। आप यहां आराम कीजिए और अब मैं अपनी सगाई टेंशन फ्री कर पाऊंगा। जब तक तेरी सास की बनाई हुई गलतफहमी अधिराज के दिमाग से निकलती नहीं है तब तक केसर भाभी को मैं संभाल लूंगा। बड़ी कच्ची गोलियां खेली है तुम दोनों ने। ये मैं कहां आ गई, ये कहां लेकर आ गए मेरे को मेहमान सा? विराट के घर में है तू। आप हीरा सा की लाडली बिन रही है, एक बार साया भी अंधेरे में साथ छोड़ देवे है, पर मैं तारा साथ कभी ना छोड़ूंगी। चाहे कोई तारे साथ हो या ना हो, पर हीरा रजावत हमेशा तारे साथ रहेगी। जो कुछ भी किया उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जो कुछ भी किया ठीक ना किया उन्होंने। आपने गुस्से में कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया उन्हें? दरअसल बात यो है भाभी साहब के गुस्सा हमारे को पेड़ा है अपने आप पे। अपने आप पर? हाँ भाभी साहब, थारे से एक बात करना चाहूँ मैं। मैं थारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ भाभी साहब। थारे को अपनी बिंदनी बनाकर जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। लेकिन 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 पता नहीं हमारे दिल से हमारे दिमाग से हमारे ख्यालों से देवी जात तीड़ा है। जैसे देवी का चेहरा हमारे सामने आ जाता है ना तो मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। तो आपको मेरे साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के बारे में ना सोचना चाहिए जी। अगर आपके दिल और दिमाग में देवी है तो आप केसर के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं? छिपा आपका प्यार है अधिराज, जो आपको केसर जिठानी सा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने से रोक रहा है। और यही प्यार मेरी ताकत बनेगा। इसी प्यार के बलबूते पर हर जंग को जीतूंगी, अपने हर दुश्मन के खिलाफ। चव्हाण की छोरी ने बहुत बड़ा धोखा किया हमारे साथ। हमारे लाड़े सर के साथ वो ब्याह में बैठ गई
मैंने तो चाहा था कि तारे साथ देर बटु हो, थारे को मारे लाड़े सर की बिंदड़ी बनाओ, ताकि तारे आने वाले बच्चे को मारे लाड़े सर का नाम मिले। पर थारा यो सुख वो छोरी देख ना सकी। कैसे सोचा होगा उसने कि तू गाय है और वो जहां चारा डालेगी तू वहीं चली जावेगी? ना बिंदड़ी ना। पर अब क्या कर सकते हैं माजी सा, वो देवी की तो शादी हो गई है देवरसा से, और सच्चाई यही है माजी सा। बहुत भोली है बिंदड़ी तू, हमेशा जो घटे हैं वही सच्चाई ना होवे है। सच्चाई तो वो होगी जो हम बताएंगे। बस अब अपने दिमाग को ज्यादा जोर ना दे, ये फोन थारे पास रख, और हाँ वो विराट की नजर में ये फोन ना आना चाहिए। और अब जब तक अधिराज की जिंदगी में थारे को वापस लाने का रास्ता ना ढूंढू, तब तक थारे को यहाँ ही रहना पड़ेगा। पर चिंता मत कर बिंदनी, हीरा रजावत का वादा है, थारी जिंदगी मैं ही संवारूंगी। हमेशा खुश रहे, वो देवी चौहान के पास अब कुछ ही बकत रहा है रजावत हवेली माँ। पर अब जब वो जावेगी कभी वापस हवेली में ना आएगी, और जी मारा वादा है थारे से। राजी के लिए कुरियर आया है। कोई है के? अरे देखो तो, हमारा जाप चल रहा है। देवी और विराट की शादी का कार्ड। जय भोलेनाथ। क्या हुआ लाड़ी सर? किसकी चिट्ठी फाड़ दी तूने? अरे अरे, ये तो किसी का निमंत्रण है। किसका है लाड़े सर? देवी जो लाड़े सर बताना किससे ब्याह कर रही है वो? तू क्या बताएगा? वही होगा उसका वो सहरी दोस्त। ब्याह करने जा रही है और थारा गांव हरा करने के लिए थारे को आमंत्रण भी दे दिया। लाड़ी सर, मैं जानू हूं तारा दुख। सुना था मैंने ये शहरी छोरा छोरी हो गए है ना,
वो रिश्ते जोड़े भी जल्द और तोड़े भी जल्द। देख आज तो देख भी लिया तूने क्या किया, अपनी विधवा भाभी से डियर बटू किया ताकि भाभी को चुनर उड़ा सके, उके आने वाले बच्चे को नाम दे सके। और ये देवी ने क्या किया, अपने सहरी यार से ब्याह करने जा रही है, पहले थारे को गाव दिया फिर उसे खुरेदा और उसमें नमक भी डाला। असल स्त्री चरित्र दिखाया वो देवी ने। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि देवी ऐसी निकलेगी। अब ऐसी देवी से कौन मलम की आशा कर सके है। देवी जवान अब मैं देखती हूँ घूंघट के नीचे तू कैसे मेरे लाड़े सर पे डोरे डाले है। इब तो तारे नाम पे भी मेरा लाड़े सर थूकेगा। देवी जवान परेशान लग रहे हो। देवी वो सहरी छोरे विराट के साथ ब्याह करने जा रही है। क्या यतिराज क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ पर उसकी यादों को अपने दिल से नहीं निकाल पाया और वो सहरी छोरे के साथ शादी करने जा रही है। अगर शादी ही करनी थी तो फिर क्यों हमारे से मिलने की कोशिश कर रही थी, साबित करना चाहती थी। अगर वो सच थी तो फिर क्यों मारे को मिलकर यो कहना चाहती थी कि उसके और विराट के रिश्ते में कोई खोट ना है। क्यों? पर आपको ये कहा किसने कि देवरानी साहब विराट के साथ ब्याह कर रही है? मारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उसने अपनी शादी का निमंत्रण भेजा। मैंने अपनी आंखों से देखा उसका शादी का कार्ड। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मेरे को ना यकीन हो रहा। कहाँ जा रही थी छोरी? वो माजी साहब मैं रुक। अब जे घूंघट की कोई जरूरत ना है। देवी चौहान क्या सोचा था तन्ने कि मारे को कुछ पता ही नहीं चलेगा? तूने अपनी चाल चल के कपट करके मारे लाड़े सर से ब्याह तो कर लिया, पर जी सच सिर्फ और सिर्फ तू जाने है। की करेगी ऐसे सच का अचार डालेगी? तूने मारे से छुपा के बहुत कुछ किया, चाल चली,
पर देख, मैंने क्या किया? बस लाड़े सर के दिमाग में सक्का ऐसा बीज बोया जिसे काटना थारे बस में ना है। छोरी अब थारे को जे करना है वो कर, पर मरा लाड़े सर थारी शकल देख के थारे को गोली से मार ना डाले ना, तुम्हारा नाम हीरा रजावत नहीं। बात करे है।